जैसे कि आप सबको पता है हमने NIOS की लर्निंग सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम NIOS कोर्स 501 जिसमें 10 चैप्टर थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद ही हमने 502 कोर्स स्टार्ट करा है जिसमें हम 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम 4th चैप्टर करने वाले हैं जो है शिक्षार्थी और अधिगम केंद्रित उपागम। ठीक है, तो देखो जो हमारे लास्ट 2 चैप्टर थे वो भी इसी पॉइंट पर ही कहीं ना कहीं थे कि मतलब जो केंद्रित उपागम ये सब क्या होते हैं। तो हमारे 4th चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यूजली हम जो करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर रिवाइज करते हैं, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब हमने NIOS 502 पढ़ना स्टार्ट करा था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो बुक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें ना जो क्वेश्चन पूछते हैं DSSSB किसी भी एक मतलब पर्टिकुलर एक कहीं से पॉइंट से क्वेश्चन बना देती है और उसमें से बहुत डीप से क्वेश्चन पूछती है, मतलब हमें पता नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से बना है और एक लाइन के स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बना देती है, और जिसमें होते हैं मल्टी क्वेश्चन, मल्टी टाइप आंसर, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, ऐसे। तो इस बुक को थोड़ा सा डीप में स्टडी करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना ही है क्लियर, थोड़े मार्क्स ज्यादा मार्क्स नहीं, हमें पेपर क्लियर ही करना है, इस वजह से हमें थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कोर्स 501 जब हमने स्टार्ट करा, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, कि बच्चों को समझने के ये ऊपर है कि बच्चों को कैसे समझा जाए, तो ये हमारे एज अ टीचर और एज अ वुड बी टीचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हमने 501 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा, 502 का फर्स्ट चैप्टर वो था कि व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या होती है। ठीक है, लर्निंग क्या है, तो हमने उसमें पढ़ा लर्निंग हमारे व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन है, सापेक्ष परिवर्तन है, लर्निंग एक प्रक्रिया है ना, लर्निंग एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें लक्ष्य होते हैं, इसमें गोल होते हैं, इसमें उद्देश्य निर्धारित होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, इसके बाद हमने लर्निंग को पढ़ा कि बच्चा किन किन तरीकों से सीख सकता है, तो उसमें हमने 7 तरीके पढ़े थे कि बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, अवलोकन के द्वारा सीखता है, प्रयत्न एवं त्रुटि के द्वारा सीखता है, सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा सीखता है, बच्चा क्रियाकलाप के द्वारा सीखता है, बच्चा रचनात्मक उपागम के द्वारा सीखता है, सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, ये सब हमारा फर्स्ट चैप्टर में था। इसके बाद इसको हमने दो पार्ट में करा था, जिसमें सेकंड में हमारी कुछ थ्योरी थी कि मतलब प्राप्त किया गया व्यवहार क्या होता है और निकाला गया व्यवहार, है ना, हमने अच्छे से पढ़ा था कि प्राप्त किया गया व्यवहार क्या होता है, निकाला गया व्यवहार क्या होता है। उसमें हमने स्किनर की थ्योरी पढ़ी और पावलोव की थ्योरी पढ़ी कि बेसिकली उसको वो एजुकेशन से रिलेटेड कैसे करके हमको बोला गया है, ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। फिर हम सेकंड चैप्टर में आए, सेकंड चैप्टर में हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे बच्चों को पढ़ाने के, कि जो बच्चा है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्क्राइब करा था कि हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि बच्चा किन किन तरीकों से सीख सकता है, ठीक है, कि बच्चे को हम कैसे सिखा सकते हैं, तो इसमें हमने बहुत सारे 5 तरीके के उपागम करे थे, उपागम मतलब अप्रोचेस, कि हम बच्चों को किन किन तरीकों से सिखा सकते हैं, वो सारी हमने अप्रोचेस करी थी। तो उसमें थी शिक्षक केंद्रित अप्रोच, है ना, शिक्षक केंद्रित उपागम, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, अध्येता सेंटर्ड अप्रोच, रचनात्मक उपागम, दक्षता सेंटर्ड अप्रोच, योग्यता, कैपेबिलिटी डिसाइड वाली, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी फिफ्थ सेकंड चैप्टर में। 5 उपागम थे जिसमें हमने पढ़ा था, विद्यार्थी केंद्रित, विषय केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, दक्षता केंद्रित और फिफ्थ बनता है योग्यता केंद्रित या रचनात्मक उपागम। 5 उपागम थे ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा। फिर थर्ड चैप्टर में हमने पढ़े थे मेथड्स, कि हम बच्चों को किन किन तरीकों से सिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है उपागम में और विधियों में। तो थर्ड चैप्टर में हमने विधियां पढ़ी थी, तो हमने विधियों को 2 पार्ट में डिवाइड करा था, अनुदेशात्मक विधियां और चाइल्ड सेंटर्ड विधियां। ठीक है, तो अनुदेशात्मक विधियां में मैंने बताया था कि टीचर से रिलेटेड होती है, जिसमें एक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं बच्चों को और उन्हें पूरा करना होता है। तो वो 3 मेथड थे, पहला तो था डिस्कशन प्रदर्शन विधि, पहला प्रदर्शन विधि, सेकंड व्याख्यान विधि और तीसरा आगमन और निगमन विधि। ये 3 विधियां थी, ये जो थी टीचर सेंटर, जो टीचर पे मेन फोकस करती है, बच्चों का कोई ध्यान नहीं रखती। तो ये 3 मेथड थे अनुदेशात्मक विधि में। फिर हमने सेकंड फेज में हमने पढ़ा था चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, जो हमारे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होते हैं, बच्चों को मोटिव डिवोटेड मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट तो थी हमारी खेल विधि, सेकंड था प्रोजेक्ट मेथड, थर्ड था हमारा खोज विधि, जिसे खोज विधि या आर्मस्ट्रांग ने जो दी है, जिसका मैंने पूछा था कि विधि किसने दी है, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर करा आर्मस्ट्रांग, और बिल्कुल ठीक है, खोज विधि जो है आर्मस्ट्रांग ने दी है, प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने दिया है, खेल विधि वैसे का जन्मदाता फ्रॉवेल को बोला जाता है, तो उसमें हमने खेल विधि, प्रोजेक्ट मेथड, खोजबीन विधि और एक मेथड और था जो हमने पढ़ा था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने थर्ड चैप्टर, 3 चैप्टर में ही हमने पढ़ी थी। ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जितनी बार ज्यादा चीजें हमारे दिमाग में आएंगी, जितनी बार चीजें हम ज्यादा रिकॉल करेंगे, उतना ही हमारे दिमाग में चीजें बैठेंगी। कुछ बच्चे वीडियो जो लगातार देख रहे होंगे, उनको लगता होगा कि ये
दीदी क्या करती है, मैडम क्या करती है कि बार बार पहले के चैप्टर रिवाइज करती है, टाइम ही तो वेस्ट करती है, इनको डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। बट अभी तो ये चीज में फायदा नहीं लगेगा, बट जब लॉन्ग टर्म में हो जाएंगी ना चीजें, जब बार बार चीजें भूलने लगेंगे, बट जब हम बार बार दिमाग में चीजें लाते रहेंगे तो यही चीजें हमें बहुत फायदा पहुंचाएंगी, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा सा हम जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे हर चीज से, तो हम बता पाएंगे इस चैप्टर में क्या था। और अगर हमारे इस दिमाग में यही रहेगा इस चैप्टर में ये था, और हमने उस टाइम पे जो पर्टिकुलर डीप में पढ़ा होगा ना, वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में आने लगता है, इससे थोड़ी बहुत रिविजन हो जाती है। तो ये जरूरी है, ये पहले मुझे भी जरूरी नहीं लगती थी, बट जब मुझे इसकी वैल्यू पता चली तो मैं इसको करने लग गई। तो खैर कोई नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपना स्टार्ट करते हैं शिक्षार्थी और केंद्रित अधिगम केंद्रित उपागम। देखो लास्ट दो वीडियो में भी हमने मेथड्स पढ़े, उपागम पढ़े, बट आज स्पेशली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षार्थी और लर्निंग सेंटर मेथड। लर्निंग जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो चीज, और शिक्षार्थी जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारा लर्नर है वो, ठीक है, वो मेथड हम सिखा रहे हैं, वो हमने इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जो है चार मेथड आपको बता रखे हैं कि चार तरीके के मेथड होते हैं। फर्स्ट है हमारा शिक्षार्थी केंद्रित, ठीक है, एक ले लो, एक ले रखा। तो शिक्षार्थी केंद्रित मतलब लर्नर सेंटर मेथड, जिसमें पूरी तरीके से बच्चे के ऊपर फोकस करा जाएगा, सब कुछ बच्चा है, जो भी चीज कर रहे हैं बच्चे के लिए, जो भी करेंगे बच्चे के लिए, जो आउटकम आएगा बच्चे के लिए, इसमें हमें बच्चे को ध्यान करना है, सब कुछ बच्चे को देखते हुए करना है, ठीक है। तो इसमें सात चीजें थी जो इस किताब में लिखी हुई है, जो हमें एक पर्टिकुलर हमारे बच्चे पे फोकस करनी है। फर्स्ट है, जब भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो देखो हमारा कभी भी मतलब बच्चों को पढ़ाना यही नहीं होता कि हम उसे एजुकेशन दें, ठीक है, हमारा तो काम है उसको बेसिक एजुकेशन देना, ओनली बेसिक एजुकेशन। एजुकेशन तो देनी है, जैसे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे उसका लेवल तो बढ़ते ही चले जाएगा एजुकेशन का। हमने बच्चे को बेसिक एजुकेशन दे दी है, जो जिस लेवल पे जिस स्तर पर है जो उसको दी जाती है वो, बट इसके साथ ही एक टीचर का काम है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ये तो आपको पता ही है। एक टीचर का कार्य है उसके किसी भी विद्यार्थी का या स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी बच्चे का इस तरीके से नहीं हो सकता कि बच्चा क्लास में आ रहा है और हम उसे पढ़ाए जा रहे हैं, ये भी पढ़ वो भी पढ़, नहीं। ये आप सबको पता है, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें काफी सारे एस्पेक्ट्स को, काफी सारे पक्षों को अपने माइंड में डिटेल करना पड़ता है, अपने सारे पक्षों को मन में रखना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है, काफी सारे पक्षों को, जिसमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट आता है, सोशल डेवलपमेंट आता है, ऑब्वियसली कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए बच्चा स्कूल में आ रहा है, जिसको सोपर शिक्षा बोला जाता है उसी के लिए बच्चा आ रहा है। फिजिकल एजुकेशन, मेंटली एजुकेशन, फिजिकली डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, एजुकेशनल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और फिफ्थ है मेंटल डेवलपमेंट। ये पांच तरीके के जब हम डेवलपमेंट बच्चे का करते हैं, इस तरीके से बच्चा आगे बढ़ जाता है, तो भाई हम हाँ कह सकते हैं कि बच्चा सर्वांगीण विकास के कुछ लेवल की तरफ है, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो चुका है, ठीक है। तो जब आप बच्चे का शिक्षार्थी केंद्रित आओगे, तो शिक्षार्थी केंद्रित का मतलब ये नहीं है कि आपको बच्चे को के अकॉर्डिंग एजुकेशन पढ़ानी है, बच्चों को देख के एजुकेशन देनी, शिक्षा देनी, शिक्षा तो देनी देनी है, वो तो आपका काम है ही, बट कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, जिसका कुछ पक्षों को आपको ध्यान रखना है, ये रहा। ये सारी एक बच्चे के इंडिविजुअल आपको डिफरेंसेस में देखना है, और हर एक बच्चे की ये चीजें ऑब्जर्व करनी है ये, और आपको कोशिश करनी है कि हर एक बच्चे की इन योग्यताओं को या इन पक्षों को, इन आयामों को आगे बढ़ाया जाए, इनका ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट किया जाए, ये आपका काम है, क्योंकि आप होने वाले, आप टीचर हो, आप ये मत देखो वुड बी टीचर, आप सोचो मैं टीचर हूँ, आप एकदम टीचर की तरह सोचना शुरू कर दो तो 25% काम तो आपका यही हो जाएगा, है ना। तो जब भी आप शिक्षार्थी केंद्रित एजुकेशन दे रहे हो तो फिजिकल एजुकेशन देना आपका काम है, आपका बच्चों को, आपको बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट करना है, कोई और नहीं करेगा। आप टीचर हो तो आप बच्चों को फिजिकल एजुकेशन भी दोगे और बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी करोगे, उसके लिए आपको जो ठीक लगे आप करो, आप गेम खिलाओ, आप एक्टिविटीज कराओ। हाँ, कुछ बच्चों को फिजिकली चैलेंज हो सकते हैं, बच्चे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको देखना है कि आप, मैं आप कर रही हूँ, बट किताब में हम सबके लिए बात करके लिखी गई है कि फिजिकल एजुकेशन के लिए हम एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे बच्चों के लिए। अब आप नहीं, हम लेके करते हैं, मैं भी तो एक लर्नर ही हूँ, है ना। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए हमने बच्चों के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि आप खेलो, और जो बच्चे को फिजिकल चैलेंज है या जिन्हें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, आप सॉल्वर हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करोगे, डिसीजन मेकिंग आप करोगे, वो सारी चीज आप करोगे। तो जब शिक्षार्थी केंद्रित की बात हो रही है,
लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है तो इन एस्पेक्ट्स को दिमाग में रखना है आपको, ना कि पढ़ाई का। मैं बार 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 हाईलाइट और फोकस इसलिए कर रही हूँ कि जब हम दिमाग में पढ़ते हैं ना लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, तो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन से हमारे दिमाग में सिर्फ यही बैठता है कि एजुकेशन बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एजुकेशन बच्चों को ध्यान में रख के पढ़नी चाहिए, पढ़ाना चाहिए। बट जब आप DSSBPRT का पेपर देने जाओ NIUS के अकॉर्डिंग, आपको जब आप लर्नर सेंटर्ड वाला क्वेश्चन आए ना, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच उपागम पढ़ रहे हैं हम, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात आए तो आप इन दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए। आपको सिर्फ इन डायमेंशंस के थ्रू सोचना है, 7 डायमेंशंस के थ्रू। आप सिर्फ अपने दिमाग में लर्नर सेंटर एजुकेशन मत लाना, लर्नर सेंटर एजुकेशन के साथ साथ ये 7 चीजें भी आपके दिमाग में आनी चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। ये मैं गलती कर चुकी हूँ तो जो गलती कर चुका है ना ऑलरेडी, वही आपको बता सकता है कि कहाँ गलती नहीं करनी है। तो प्लीज इनका ध्यान रखना है आपको कि चाइल्ड सेंटर्ड में इन चीजों का ध्यान रखना है। 2019 वाले पेपर में मैंने करी थी, इस बार नहीं करी तो इस वजह से मैं बता पा रही हूँ। तो फर्स्ट है फिजिकल एजुकेशन, हमने क्रिएट करना है, हमने एनवायरनमेंट देना है, गेम खिलाओ, पीरियड लगाओ, सब ऑल अप टू अस, ठीक है। सेकंड चीज है मानसिक योग्यता है, मानसिक योग्यता है, मानसिक योग्यता है बच्चे की किसकी कितनी होती है आप सबको पता है। एक क्लास में हर एक लेवल का बच्चा होता है, कोई बच्चा यहाँ होता है, कोई बच्चा यहाँ होता है, कोई बच्चा यहाँ होता है, सबका लेवल एक जैसा नहीं होता। बट एज अ टीचर हमको कोशिश करनी है कि सारे बच्चों का लेवल एक समान पे लेकर के आए। इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, स्पेशली लैंग्वेज का, ठीक है। मैं क्या याद करना है लैंग्वेज का, इसमें आपको एक थ्योरी करनी पड़ेगी, गार्डनर की थ्योरी, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी है, हार्वर्ड गार्डनर ने पहले संशोधित करी है तो बाद में 9 बुद्धि दी थी, बट जो ताजी ताजी उसकी थ्योरी आई थी ना हार्वर्ड गार्डनर की बुक में, बुक भी है उसने जिसमें उसने थ्योरी छापी थी अपनी, वो सब इसमें डिस्कस नहीं है तो मैं नहीं कर रही क्योंकि NIUS में सब है नहीं। तो उसने सिर्फ 7 थ्योरी की बात, 7 बुद्धि की बात करी हुई है, आप सबको पता है गार्डनर की थ्योरी दी है उसने। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बोला है कि हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को काफी सारे अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि जिस बच्चे की जो बुद्धि विकसित हुई है वो उस तरीके से सब्जेक्ट को समझ ले। गार्डनर ने ये नहीं बोला क्योंकि CTET का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एक सब्जेक्ट को अलग अलग 7 तरीकों से पढ़ाया जाए, नहीं, गार्डनर ने ये बोला है कि एक किसी चीज को विभिन्न विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो बुद्धि बच्चे में जिस तरीके से डेवलप है वो उसका विकास कर ले, उसके साथ उसमें आ जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो इसमें मानसिक योग्यता में आपको एक लैंग्वेज ध्यान रखना है कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। सेकेंड है इसमें ना आपको हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी करनी है, यहाँ पे मानसिक योग्यता है लिखा हुआ है बुक में और हार्वर्ड गार्डनर की 7 बुद्धि डिस्क्राइब करी हुई है। अब मैं अगर आपको वो थ्योरी यहाँ पे कराने बैठूंगी तो देखो फिर पूरी थ्योरी हो पाएगी क्योंकि अपने आप में भी बहुत बड़ी है वो थ्योरी। बाकी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर ये जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी वाली है मैंने करवा रखी है, तो आप इस चैप्टर को आगे ना तभी करना जब एक बार आप इस गार्डनर की कर लो, सारी 7 बुद्धियां पढ़ लो। मैंने 9 बुद्धि करवा रखी है, ये भी बता रखा था आगे की 2 बुद्धियां कब जोड़ी गई है सब कुछ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप लोग चाहो तो वो वाली वीडियो देख सकते हो बुद्धि के लिए, थ्योरी के लिए, अदरवाइज वो यहाँ पे नहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगी करानी। बट मैं आपको बता देती हूँ मानसिक योग्यताओं में गार्डनर की बुद्धि वाली थ्योरी आपको एक करनी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप चाहो तो देख लेना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। मानसिक योग्यता में आपको गार्डनर का ध्यान रखना है, बस ये इशू है आपको ध्यान क्या रखना है, मानसिक योग्यता में गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आनी चाहिए, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर आता है पर्सनैलिटी, ठीक है, आपको ये नहीं लग रहा साइकोलॉजी के टॉपिक है तो हम साइकोलॉजी पढ़ते ही क्यों हैं, क्योंकि हमने बच्चों को पढ़ाना है और साइकोलॉजी हमें क्या करती है, वो हमें उन बच्चों का बिहेवियर समझने के लिए हेल्प करती है ना। तो बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ना आपको साइकोलॉजी के ही टॉपिक रखने हैं, मतलब जो साइकोलॉजी इतना बड़ा जो ब्रॉड सिलेबस है आपको सारे टॉपिक ध्यान रखने हैं, किसमें, बच्चों को पढ़ाते समय उनकी एजुकेशन के लिए हमने पूरी साइकोलॉजी ध्यान रखनी है। तो इसमें पर्सनैलिटी ध्यान रखनी है, पर्सनैलिटी में इतनी सारी पर्सनैलिटी की थ्योरीज है ना, आलपोर्ट, हिप्पोक्रेटस, कैटल, बहुत सारी थ्योरीज है, तो इतना सब इसमें डिटेल में नहीं दिया हुआ, वो आगे पढ़ेंगे। बट व्यक्तित्व को, हमें एक बच्चे के व्यक्तित्व को ध्यान रखना है, अधिगम के तरीके को, इसमें लर्निंग थ्योरीज आ जाती हैं, थॉर्नडाइक की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी, पावलो की थ्योरी, जो गेस्टाल्टवादी थे उनकी थ्योरीज, जो बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज है ना, और वो उसकी फेमस है वो क्षेत्रवादी कुर्त लेविन की वो फील्ड थ्योरी है ना, वो आ जाती है, ब्रूम की थ्योरी आ जाती है। तो ये लर्निंग के तरीके मैं इनके अंदर बता रही हूँ कि इनके अंदर अंदर क्या एक्सपेक्ट हो सकते हैं, एक्सपेक्ट्स इनके क्या क्या है, बाकी बुक में इतना ज्यादा डिस्क्राइब नहीं है, सिर्फ इसमें इस थ्योरी को डिस्क्राइब किया हुआ है वो बता दिया। बट ये लर्निंग के अधिगम के तरीके ये सब हो सकते हैं कि बच्चों को कैसे कैसे सिखाना है चाइल्ड सेंटर्ड में, हमें इतने सारे तरीकों का ध्यान रखना है कि हम इसको अभ्यास के मेथड से सिखाएं, ट्रायल एंड एरर मेथड से सिखाएं, ऑपरेटिंग कंडीशन के से सिखाएं, ये हमारे ऊपर है। नेक्स्ट आती है प्रेरणा, इसमें पता है आपको अभी अब्राहम मास्लो का कितना फेमस है
है ना, अब्राहम मैस्लो ने कितना फेमस सिद्धांत दिया हुआ है सब कुछ। नेक्स्ट है घर एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। हमें एक बच्चे का ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा कैसे घर से आ रहा है, बच्चे को घर में कैसा एनवायरमेंट मिल रहा है। घर से इन द सेंस कि हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी और वातावरण का प्रोडक्ट है ना हम, वातावरण और हेरिडिटी का प्रोडक्ट है। तो बच्चे के घर के बारे में ध्यान रखना है हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। और लास्ट है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखना है कि बच्चा पहली पीढ़ी का लर्नर है या पिछली पीढ़ी का है। पिछली पीढ़ी मतलब पिछली पीढ़ी जो किसी भी वंचित पीढ़ी में से है, वंचित समूहों में से है, या किस तरीके की बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, घर वालों का एजुकेशन में बैकग्राउंड क्या है, बच्चा पहली बार स्कूल आ रहा है, इसके पेरेंट्स पढ़े लिखे या नहीं पढ़े, वंचित समूह ग्रुप में से तो नहीं है, पिछड़ी हुई जो वंचित समूह लोग हैं वहां से तो नहीं है, रूरल एरिया से तो नहीं आ रहा। ये सारी चीजें हमने ध्यान रखनी है किस में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारी ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो क्या कहना चाहती है। वो हमसे ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रही है, इतनी डिमांड कर रही है कि जब भी हम बच्चों को पढ़ाएं तो हम ये सारे तरीकों के बारे में बात करें। और ये जो सारे मेथड है वो अधिक शिक्षार्थी और अधिगम केंद्रित उपागम है। ठीक है, सेकंड है हमारा अधिगम केंद्रित। अधिगम केंद्रित मीन्स लर्निंग बेस्ड, इतना तो समझ में आई होगा। लर्निंग बेस में आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि लर्निंग बेस में सिर्फ लर्निंग पर फोकस किया जाता है, हमारा मतलब होता है। ये भी अच्छा मेथड है, अच्छा तरीका ये भी, क्योंकि इसमें जोर दिया जाता है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखे। सिखाने पर तो जोर है इसमें, क्योंकि सिखाएंगे ही इतनी इफेक्टिव तरीके से कि बच्चा सीखे, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करा जाता है, सिखाने पे जोर दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सीखो, ज्यादा से ज्यादा सीखो, लर्निंग पर मेन फोकस करा जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन तो ये है, बट इसके साथ में लर्निंग पे फोकस करा जाता है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखे। तो इसमें क्या है, टॉपिक को सिखाना, टॉपिक को सिखाने पे जोर दिया जाता है कि चाहे वो या इस स्तर का बच्चा है और इस स्तर का बच्चा है, हर एक बच्चा सीखे, वो कुछ भी सीखे, बस वो सीखे। उसको सीखने से मतलब है लर्निंग होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग। तो वैसे लर्निंग सेंटर्ड मेथड का मतलब, अप्रोच का मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पे फोकस किया जाएगा, लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा, लर्निंग से सिखाया जाएगा। तो इसमें किसी भी टॉपिक को सिखाने पे जोर दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं करी जाती, पर्टिकुलर किसी भी चीज की बात नहीं करी जाती, पर हम जो टॉपिक सिखा रहे हैं। तो हमारा मेथड ये नहीं कि हम चाइल्ड सेंटर के अकॉर्डिंग देखें उसका व्यक्तित्व क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है, नहीं। इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि हम जो एक बच्चे को सिखा रहे हैं ना, बच्चा वो ज्यादा से ज्यादा सीखे, ज्यादा से ज्यादा लर्न करे, और वो कैसे भी करे, बस वो ज्यादा से ज्यादा लर्न करे। और इसकी एक खास बात क्या होता है, इसमें टीचर भी लर्नर होता है। टीचर भी लर्नर कैसे होता है कि मान लो देखो, हर एक टीचर वो कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, उसको अपने आप को अपडेट करने के लिए टाइम टू टाइम स्टडी करनी पड़ती है, उसको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। क्योंकि आपको भी पता है आज इतना ज्यादा हम साइंस एरा चल रहा है, ये इतनी ज्यादा मेथड इतनी जल्दी से चेंज होते हैं, इतनी जल्दी अप्रोचेस चेंज होती है, इतनी जल्दी विधियां चेंज होती है। तो टीचर जो है पुराने ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाता हुआ चला आ रहा है ना, तो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। मींस कि हम पुराने ही तरीके से पढ़ाते हुए आज के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो टीचर में क्या करना पड़ेगा, अपने आप को भी चेंज लाना पड़ेगा, अपने आप को भी सिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या जरूरत होगी, टीचर को खुद भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, अपनानी पड़ेंगी वो चीजें जो बच्चों में देखना चाहता है। तो आप जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ था बुक में कि अगर हम मान लो हम बच्चों को सिखाते हैं कि बड़े ही काम कैसे करते हैं, बड़े ही या जो मोची है वो काम कैसे करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बड़े ही कोई आसपास अगर हमारे पास फैक्ट्री हो जहाँ पे बड़े गिरी का काम होता है, तो हम वहां पे बच्चों को लेके जा सकते हैं। तो वहां पे ले जाने का काम क्या होगा, बच्चे वहां पे ऑब्जर्व करेंगे और सामने लाइव एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि बड़े कैसे काम करते हैं, किस तरीके के काम करते हैं, क्या क्या बनाते हैं, इनसे हमारी लाइफ में क्या यूजफुल है, ये हमको लाइफ के लिए क्या सीख देते हैं, सारी चीजें। तो इसके साथ ये कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ से टीचर तो बच्चा तो सीखेगा ही सीखेगा, साथ में टीचर भी तो सीखेगा। बहुत सारी बातें टीचर को खुद ऐसी नहीं पता चलेंगी जो टीचर को नहीं पता थी। तो टीचर क्या करेगा, जो उसका ज्ञान का कोष है, जो ज्ञान का भंडार है टीचर के पास, उसमें कुछ नई चीजें ऐड कर लेगा जो टीचर को ऑलरेडी नहीं पता थी। तो लर्निंग सेंटर मेथड की एक खासियत क्या है, सिर्फ लर्निंग सेंटर की है ये, इसमें नहीं जोड़ोगे आप। अगर आपके दिमाग में लर्निंग सेंटर पेपर में आता है लर्निंग सेंटर, तो आप ये लाइन जरूर ध्यान में रखेंगे, दिमाग में आना चाहिए उस टाइम पे एकदम से, कि जो टीचर है वो एक जिंदगी भर सीखने वाला विद्यार्थी होता है। मतलब इसमें इस वाले मेथड में जो शिक्षक होता है वो भी एक विद्यार्थी होता है, मतलब वो जिंदगी भर एक लर्नर बना रहता है। अगर एक टीचर लर्निंग सेंटर मेथड से बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो पूरी जिंदगी भर लर्नर बना रहेगा, क्योंकि वो बच्चों के साथ कुछ ना कुछ जिंदगी भर सीखता रहेगा। और लर्निंग उसकी भी कभी रुकेगी नहीं कि हाँ भाई नौकरी लग गई तो उसने पढ़ना छोड़ दिया, नहीं। अगर टीचर ये लर्निंग मेथड अपनाता है ना, तो वो जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखेगा, वो खुद एक विद्यार्थी बनकर रहेगा। मीन्स विद्यार्थी बनेगा, बच्चों को सिखाएगा, उनसे सीखेगा, ऐड करेगा, जिंदगी भर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा।
कि बच्चा खुद टीचर इसमें खुद जिंदगी भर एक लर्नर बना रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ रखा है, इससे बार बार बोल रही हूँ, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों बोलूँ। थर्ड है लर्निंग आउटकम, इसमें ना लर्निंग आउटकम पे फोकस किया जाता है। मैंने आपको बताया था मिनिमम लर्निंग लेवल, तो इसमें ना ध्यान रखा जाता है, जैसे कि हमारे में 100 में से 33% वाला पास है, तो 33% की क्या है मिनिमम लर्निंग लेवल, अगर किसी बच्चे को क्लास में पास आउट करना है तो इतना तो आना चाहिए। तो इसमें पर्टिकुलर क्लास में नहीं देखा जाता, अगर मान लो आप एक टॉपिक करा रहे हो, कोई भी टॉपिक है, तो उसकी ना मिनिमम कुछ डिमांड होती है, लर्निंग मेथड में उसकी मिनिमम कुछ डिमांड होती है कि जब हम इस टॉपिक को बच्चे को करा देंगे या बच्चे को बता देंगे तो क्या होगा कि मिनिमम इतना तो बच्चे को आना चाहिए, उसको हम कहते हैं मिनिमम लर्निंग लेवल। तो इसमें हर पर्टिकुलर टॉपिक का है ना, इसमें हर टॉपिक का हमको लर्निंग लेवल देखा जाता है कि लर्निंग आउटकम क्या आ रहा है हर एक टॉपिक का, क्योंकि इसमें मेन फोकस है लर्निंग कराना, लर्निंग सिखाना। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों को सिखाएंगे, जितना से ज्यादा बच्चों को आएगा वो हमारे लिए अच्छी बात है। तो लर्निंग आउटकम इसमें हर पर्टिकुलर टॉपिक का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। एक बहुत है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर आपने देखा हो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, 10 पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसमें बीमर से कम 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं बीमर। तो मैं कहती थी जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी, जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी, तो आने ही वाला है वो, देखो आ गया। वीमर है कि ये हिंदी में लिख लेना, वीमर ने 2002 में अभ्यास करने के लिए दिए हैं कि अगर हम लर्निंग कर रहे हैं ना, लर्निंग मेथड से सिखा रहे हैं, तो बच्चा अपनी उस लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकता है, मतलब परमानेंट कैसे कर सकता है लर्निंग को, वो अभ्यास के द्वारा कर सकता है। और उसने अभ्यास करने के 5 बिंदु दिए, 5 बिंदु ये रहे, और ये बिंदु आपको एज इट इज रटे हुए होने चाहिए। वैसे इस बार सच्ची बता रही हूँ इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ वीमर का नाम दिया है या अभ्यास का, अभ्यास के 5 नियम किसने दिए या वीमर ने क्या दिया, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इसमें से नहीं बना। बट जो 2019 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था, मल्टी क्वेश्चंस में ऐसे इसमें से पूछा हुआ था कि या तो इसको आरोही क्रम में लगाओ, फर्स्ट स्टेप ये था, तो दूसरा क्या है ऐसा, तो आप इसको रट लेना। मैंने तो वही करा था जैसे मैं करती हूँ, इनका जो फर्स्ट पॉइंट है ना इंग्लिश में, वो शॉर्ट में करके लिख लिया था, जैसे विषय वस्तु, तो विषय वस्तु क्या होता है हमारा, जैसे अध्यापक की भूमिका, तो रोल ऑफ टीचर, तो मैंने आर लिख लिया था, विषय वस्तु कंटेंट होता है तो सी, ऐसे करके कर लिया था। बाकी आप अपना कोई तरीका अपना सकते हो इस तरीकों को याद करने का, मुझे उस तरीके से याद रहता है तो मैंने वैसे करा था। तो वीमर ने 2002 में अभ्यास करने के नियम दिए थे, 5 नियम क्या थे, पहले तो विषय वस्तु का कार्य, पहली बात तो जो विषय वस्तु का कार्य है उसको करने दो, विषय वस्तु को बच्चे को समझाओ, अच्छे से बताओ, अच्छे से पढ़ाओ, अपना 100% दो बच्चे को पढ़ाने में, अच्छे से पढ़ाओ, जितना ज्यादा आप कर सकते हो बच्चे को पढ़ाने में, आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ो, आप पढ़ाओ। उसके बाद अध्यापक की भूमिका, कि अध्यापक की भूमिका क्या है, अध्यापक उस पर्टिकुलर विषय वस्तु में फैसिलिटेटर बनेगा या इंस्ट्रक्टर बनेगा, या वो सारा का सारा कंटेंट ही प्रोवाइड करा देगा, या वो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की भूमिका निभाएगा, वो अध्यापक का रोल डिसाइड करेगा कि क्या है। फिर है अधिगम की जिम्मेदारी, फिर है अधिगम की जिम्मेदारी टीचर के ऊपर होती है, फिर अब उसमें जिम्मेदारी होती है कि बच्चे ने क्या देखा, क्या पढ़ा, कितना आया, मिनिमम लर्निंग लेवल मिला हमको, लर्निंग आउटकम हमको प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, कैसा जिम्मेदारी निभाई किसने, मतलब किसको कितना किया, क्या क्या आया, ठीक है। पहले तो विषय वस्तु का कार्य, फिर अध्यापक की भूमिका, फिर अधिगम की जिम्मेदारी, फिर उसके बाद हम उसका मूल्यांकन करेंगे, और हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए होते हैं कि हाँ इतना 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 बच्चों को आ जाएगा, वो हम इवैल्यूएट करते हैं कि भाई हमने इतना असेसमेंट करते हैं बेसिकली, कि हमने जो बच्चों को इवैल्यूएशन करा है, क्या बच्चों को इतना आ रहा है जितना हम चाहते थे, ठीक है, क्या हमें उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, अगर हुई है तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो क्या है, शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन मीन्स कि अगर हमारी कहीं ना कहीं प्राप्ति हो गई है तो हम सेटिस्फाई है कि हाँ इस चैप्टर से बच्चों को इतना आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बच्चों को मिल गया, तो ये क्या है, शक्ति संतुलन है, ठीक है। नहीं आया तो हम अपने संतुलन को क्रिएट करने के, संतुलन को लाने के लिए कुछ एक्टिविटीज करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, हम टेस्ट रख सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं, हम डिबेट करवा सकते हैं, हम बच्चों को घुमाने ले जा सकते हैं, कुछ भी एक्टिविटीज जो आप करो वो बैलेंस करने के लिए, तो शक्ति संतुलन जिसे बोला जाता है वो बैलेंस करने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिक्षार्थी केंद्रित और अधिगम केंद्रित, ठीक है। थर्ड है हमारा सहकारी अधिगम, ठीक है, सहकारी अधिगम आपको इससे ही समझ में आ रहा होगा कि सहकारी अधिगम क्या है, कि साथ में अधिगम करना, साथ में पढ़ना, साथ में अधिगम करना, वो हमारे सहकारी अधिगम होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को साथ में पढ़ाने के लिए बच्चों के ग्रुप बना देते हैं, मेट ग्रुप्स, बच्चों को साथ में पढ़ाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, बच्चों के ग्रुप बना देते हैं कि भाई तुम लोग साथ में पढ़ लो, साथ में स्टडी अच्छे से होती है तो तुम साथ में पढ़ो। और इसमें हम क्या करते हैं, देखो सहकारी अधिगम की ना एक विशेषता होती है, ये जो ग्रुप होते हैं ना हम चार तरीके से मतलब हेट्रोजीनियस की
हेटरोजीनियस होता है कि अलग सेम सेम विशेषता वालों को एक साथ रखना। हाँ, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण इंग्लिश में साइंस में पढ़ा है ना हमने, हेटरोजीनियस ग्रुप एंड होमोजीनियस ग्रुप, ऐसे ही होता है कि मतलब एक तो होता है समांगी, समांगी समूह क्या होता है कि हम एक विशेषता वाले बच्चों को एक में डाल दें। मतलब मान लो आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चों की आर्ट्स अच्छी है तो आर्ट्स वालों का एक ग्रुप, जो मैथ्स में अच्छा है उनका एक ग्रुप, ये होता है समांगी समूह। एक होता है विषमांगी समूह की एक आर्ट का, एक ड्राइंग का, एक मैथ्स का, जो जिसमें अच्छा है अलग अलग ग्रुप करके सबसे एक एक बच्चा करके हम बना दें। ठीक है, दो तरीके के ग्रुप हो गए, समांगी समूह विषमांगी समूह। तीसरा होता है रैंडम, कि रैंडम, रैंडम मतलब अपने आप ही, अपने आप मतलब कि मान लें आपने आपने क्लास में सबको नंबर दिए 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर एक वाले सारे खड़े हो जाओ एक साइड ग्रुप, दो 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 वाले खड़े हो एक साइड ग्रुप, ये हो हमारा रैंडम ग्रुप। और एक होता है इंटरेस्ट के साथ कि भाई तुम्हें फुल्ली छूट है, जाओ जिसके साथ ग्रुप बनाना है बना लो, जाओ इंटरेस्ट के साथ। तो ये चार टाइप के ग्रुप होते हैं, आपकी बुक में डिस्क्राइब नहीं है, यहाँ पे एनआईएस में नहीं है, बट मुझे पता था तो मैंने बता दिया, अगर कभी आए तो कर लेना। तो इसमें हम ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप का काम होता है अलग अलग, हर ग्रुप को अलग अलग टास्क दिया जाता है कि आपको पूरा करना है, और सेम टास्क भी दिया जा सकता है, नो इशू एट ऑल। और सबको अलग अलग टास्क दिया जाता है कि हाँ आपका ये है लर्निंग, आपको ये सीखना है, ये अधिगम करना है, तो आप देख लो आप कैसे सीखोगे क्या करोगे। तो इसमें हम ग्रुप बनाते हैं और इसमें जो रिवॉर्ड मिलता है, जो इसमें इनाम मिलता है ना, ये पूरे ग्रुप को मिलता है, मतलब पूरे ग्रुप में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। ऐसा नहीं होता, मान लो कोई ग्रुप फर्स्ट आया, अब हम उसको 100 रुपये मान लो हम दे रहे हैं, तो हम इसमें ये नहीं करेंगे कि जिस बच्चे ने ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करा है उसको हम ज़्यादा रुपए दें, या मान लो पेंसिल का बॉक्स है कलर का बॉक्स है तो जिसने ज़्यादा अच्छा करा है उसको ज़्यादा दें या कम, नहीं। सहकारी अधिगम में क्या होता है, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन माना जाता है, भले हो या ना हो सबका इक्वल पार्टिसिपेशन माना जाता है और सबको उसी के अकॉर्डिंग प्राइस दिया जाता है कि सब बराबर है, सबको दिया जाता है। रिवॉर्ड जो है ग्रुप ग्रुप के अकॉर्डिंग दिया जाता है, सबको अलग अलग नहीं दिया जाता, लेकिन ग्रेड अलग अलग दी जाती है, क्योंकि टीचर भाई जब बच्चे काम कर रहे हैं तो टीचर ऑब्जर्व कर रही है ना, ये बच्चा तो उससे बातें में कर रहा है, ये उससे चुगली कर रही है लड़की, वो आपस में खेल रहे हैं, सिर्फ वो बच्चा काम कर रहा है देख रहे हैं, भले वो ग्रुप फर्स्ट आ गया रिवॉर्ड भी सबको मिल गया, पूरे ग्रुप का नाम हो गया, लेकिन जो ग्रेड मिलेंगे वो इसमें इंडिविजुअली मिलते हैं, अलग अलग मिलेंगे उनके काम के अकॉर्डिंग, क्योंकि टीचर ऑब्जर्व कर रही है कि बच्चा क्या कर रहा है क्लास में। फिर नेक्स्ट होता है कि डिफरेंट तरीके के ग्रुप्स बनाते हैं, चार तरीके के ग्रुप होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, समांगी समूह विषमांगी समूह और रैंडमली यादृच्छिक रूप से और इंटरेस्ट के साथ जो भी हमारे ग्रुप होते हैं। और फिफ्थ क्या है, ग्रुप मेन ऑब्जेक्टिव होता है, कि मतलब ग्रुप का काम करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो सहकारी अधिगम होता है ना उसमें ये नहीं होता कोई बच्चा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं, ग्रुप को जिताना या ग्रुप का काम करना वो ग्रुप मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब इसमें एज अ होल देखा जाता है पूरा ग्रुप, भले एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं, 10 में से 9 बच्चे बैठे और एक काम कर रहा है, तो हम उसको एक को ही काउंट करेंगे, उस पर्टिकुलर 10 को ही काम करेंगे, क्योंकि ग्रुप मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें इंडिविजुअलिटी को कोई स्थान नहीं दिया जाता कि हाँ ये अच्छा बच्चा है, ये बहुत है, वो बहुत है, नहीं, इसमें ग्रुप मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो जो हमारा सहकारी अधिगम होता है उसमें ग्रुप मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये था सहकारी अधिगम, इसके साथ ही आ जाते हैं हम सहयोगात्मक अधिगम, और ये है साथ में काम करना। ठीक है, तो ये भी तो देखो साउंड सेम ही तो कर रहा है, सहयोगात्मक अधिगम, ये भी सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब डिफरेंस है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बन जाता है तो ऑब्वियसली डिफरेंस है, ये भी है सहयोगात्मक अधिगम, बट इसमें है सहयोग देना, काम करना। ठीक है, साथ में सहयोग देना, जैसे कि मान लो इसमें बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, अब एक ग्रुप के पास कुछ चीजें हैं, दूसरे वाले ग्रुप के पास वो चीज कमी हो जाती है, तो कहेंगे तुम मुझे दे दे, तो ये नहीं देंगे, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव अपने ग्रुप को जिताना, अपने ग्रुप का काम पूरा करना, ये वाले बच्चे सहकारी अधिगम वाले नहीं देंगे। बट यही सिचुएशन अगर सहयोगात्मक वालों में आएगी और वो एक ग्रुप में काम कर रहे हैं और दूसरे के पास अगर कमी रहती है तो हाँ ठीक है ये दे देंगे, ये रिसोर्स शेयर करेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पे रिसोर्स शेयर करेंगे, रिसोर्स शेयर कर देंगे, क्योंकि इनका अपना हो गया ना तो दूसरों को दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो वो एक्स्ट्रा ही है, नो मैटर वो उनके काम आए ना आए, वो जीते ना जीते, क्योंकि यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है ना वो लर्निंग करना होता है, सीखना होता है। ठीक है, यहाँ पे भी ग्रुप में काम करते हैं, यहाँ पे भी 4-5 तरीके से ग्रुप बनते हैं, बट यहाँ पे जो रिवॉर्ड दिया जाता है वो इंडिविजुअली रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, जो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा वो इंडिविजुअली दिया जाएगा, यहाँ पे ग्रुप में दे रहे थे बट यहाँ पे भी ग्रुप बनेंगे, पर आप में ग्रुप में भी ऑब्जर्वेशन होगी, अच्छे से बताया जाएगा कि हाँ भाई ये लड़की बहुत अच्छे से काम कर रही थी। ग्रुप मान लो कोई ग्रुप फर्स्ट आया, जब उसका फीडबैक मिलेगा टीचर ही तो देगी, टीचर ऑब्जर्व कर रही है तो बताएगी हाँ भाई ये लड़की काम कर रही थी बट ये तो तुम बातें कर रहे थे और तुम बैठ के ड्रॉइंग कर रहे थे, ऐसे करके उनको रिवॉर्ड देंगे। तो रिवॉर्ड क्या है, इंडिविजुअली मिलेगा उनके काम के अकॉर्डिंग, उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज है सहयोग देना, किसी भी चीज में, किसी भी चीज कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, अपने दुश्मनों का भी, दुश्मन क्या मतलब कि जो दूसरे पार्टिसिपेशन वाले ग्रुप है, साथ दे सकते हैं। मान लो आपने, आपकी टीचर ने कुछ होमवर्क दिया, आपको घर से वो होमवर्क करना है बट आप नहीं कर पा रहे, आपको प्रॉब्लम हो रही है,
तो आपने अपनी बहन को बोला कि बहन थोड़ी सी हेल्प कर दे, उसने कर दी। अब उसका कोई यहाँ पे कुछ प्रॉफिट थोड़ी है, उसका कोई इनिशिएटिव थोड़ी है कि आप उसको बदले में उसकी तारीफ करोगे या उसको कुछ ला के दोगे, मैगी खिलाओगे जब भी वो करेगी। नहीं, उन्हें बिना इंटेंशनली कर दी ना, तो ये क्या है, ये सहयोगात्मक अधिगम है। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम है। और यहीं पे इसका एग्जांपल क्या है कि आपकी बहन सिखाई कि अच्छा तुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा यार, मुझे भी नहीं आते, आजा साथ में सीखते हैं फिर करते हैं। तो ये सहयोगात्मक, ये हमारा सहकारी अधिगम है। पर सहयोगात्मक अधिगम क्या है, हेल्प कर दी ना उसने, तो ये सहयोगात्मक अधिगम है कि सहयोग दे दिए वो आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है, मैंने बताया रिसोर्स शेयर करते हैं, रिसोर्स शेयर करते हैं आपस में, नो इशू। अलग अलग काम अपने लिए एक साथ करते हैं, हम काम तो अलग अलग कर रहे हैं बट अपने लिए करते हैं एक साथ, सबके लिए कर रहे हैं बट इंडिविजुअली लर्निंग के लिए कर रहे हैं। देखो एक ग्रुप में अलग अलग काम कर रहे हैं सब, तू ये कर तू वो कर तू वो कर, बट हम काम अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल असेसमेंट होगा, इंडिविजुअलिटी में रिवॉर्ड मिलेगा, इंडिविजुअली चेक करा जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग काम हम अपने एक साथ करते हैं, यहाँ पे मेन होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई भी जीते ना जीते कोई इतना मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और लास्ट है जो इंडिविजुअल लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, लर्निंग जो है इंडिविजुअली इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअल लर्निंग पे फोकस किया जाता है कि ना कि एक पर्टिकुलर ग्रुप पर, एक इंडिविजुअल लर्निंग पर फोकस किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो ग्रेड है अलग अलग ही मिलते हैं, इसमें भी अलग अलग ही मिलते हैं, बस रिवॉर्ड की बात है, इसमें ग्रुप में मिलता है उसमें इंडिविजुअली। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपको पता होगा। ठीक है, और बस ये चार तरीके के इसमें दिए गए थे, ये जो हमारे अधिगम है, और ये वाले जो अधिगम थे ये थे अधिगम केंद्रित, मतलब लर्निंग सेंटर, और ये वाले थे। और इसके बाद इन्होंने क्या दिया, क्रियाकलाप आधारित उपागम, और इसको अलग से हेडिंग बनाया हुआ है, मतलब अधिगम उपागम में ये चार डिस्क्राइब कर दिए और फिर क्रियात्मक उपागम में ये अलग से है। तो मुझे लगा नहीं कि मैं क्रियात्मक उपागम को आपको डिटेल में कराऊं क्योंकि इतना कुछ इसमें है नहीं, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। इसमें मैं बता देती हूँ बस क्रियाकलाप क्या है, कि आप कुछ भी ना एक्टिविटीज करा सकते हो। एक्टिविटीज तो देखो इम्पोर्टेंट होती है, इसमें क्या हो सकता है, गीत गाना, नाचना, भूमिकाएं निभाना, कहानी कहना या कुछ भी जिसमें आपको मजा आए, बच्चों को गेम खिलाना, ये सारी हो सकती है। इसके बाद बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज दी हुई है कि ये टीचर ऐसे 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 करा रही है। तो देखो एक्टिविटीज क्या होती है, रुचिकर होती है, अर्थपूर्ण होती है, और बच्चों का समूह होना चाहिए, व्यक्तिगत बच्चा होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। आनंददायक होती है, चुनौतीपूर्ण होती है, ध्यान केंद्रित होती है। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या क्या होनी चाहिए, उपलब्ध स्थान का प्रबंधन करना चाहिए, क्रियाकलाप कराने के लिए कोई भी एक्टिविटी कराने के लिए उपलब्ध स्थान का प्रबंधन करना चाहिए, सामग्री प्रबंधन करना चाहिए, बच्चों को पार्टिसिपेशन करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। तो बस ये चीजें हैं, टाइम बाउंडिंग होनी चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए, मतलब सब कुछ होना चाहिए क्रियाकलाप में। बेसिकली इसमें ना बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप अगर पढ़ोगे तो कर लोगे, इतना कुछ समझाने वाला नहीं है। जैसे ये था कि हाँ इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी वो समझा दिया, इसमें इतना कुछ है नहीं। इसके लाभ क्या होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होते हैं, तो बच्चा करके सीखता है, देख के सीखता है। सेल्फ प्रेजेंटेशन बच्चों को देनी होती है, इसमें बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें प्रेजेंट करना है, इसमें बच्चे की भागीदारी होती है कि हमें पार्टिसिपेट करना है, सीखना है, खेलना है, सब थिंग ऐसे है ना। फिर और क्या होता है कि इसमें बच्चा मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है कि हाँ एक्टिविटी कब, डायलॉग मेकिंग सीखता है, बोलना सुनना, लिसनिंग एक्टिव होती है उसकी, लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। बच्चा लिखना सीखता है, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है क्योंकि उसको परफॉर्म करना होता है, काफ़ी सारी कलाएँ सीखता है, टाइम बाउंडिंग सीखता है, पंचुअलिटी सीखता है। तो एक्टिविटीज़ के थ्रू भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में है जो हम बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है, सो क्रियाकलाप बेस्ड उपागम पढ़ लेना इसको, ज़्यादा कुछ है नहीं, समझ में आ जाएगा आराम से। और इसमें चार उपागम थे। सो आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ।